He has to heal up and then join the fight. Or fir yahan pe M249 bhi hai unke paas. You should have reloaded the M249. 100 bullets ek spray mein players ko lekar ja sakti. Wapas peeche jana pada jab 33 bullets bachi thi. Rudy White yahan pe spot kare. Critical and down kiya kafi behtareen tarike se. And ab unko apni gun ko reload karna padega. Switching on to M4. Wahan par circle ke bahar ke place ke liye mushkil hai. Lekin IP Major finish ho jayenge. Imperium gets eliminated. Do teams bachti hai. Uske andar Ark ki Kritika akeli bachi hai. Teams ke dono players revive ho chuke hai. Back to the drawing board with the fact that 3 versus 4 थे वापस 3 versus 3 जाते हुए कौन सी को वहां पर ग्रेनेड डाउन करता हुआ आर्क स्क्वाड अब मूव करना चाहेगी बहुत बेहतरीन तरीके से वो लोग मूव कर सकते हैं गेम उनका बन सकता है करके लेनी पड़ेगी कौन सी को वापस स्पॉट किया शॉट्स देने की कोशिश लेकिन जतिन के ऊपर शॉट्स आते कृतिका ग्रेनेड एक और जाता हुआ वेव को लेकर आर्क जतिन में जाते हुए 1v1v1v1 की पूरी पूरी फाइट चल रही एक प्लेयर बचता है वो डाउन और आर्क लेकर जाती है बेहतरीन 10 किल्स के साथ का चिकन डिनर जो 4v3 सिचुएशन को इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने लिए कन्वर्ट किया और फिर एक एक करके जैसे मैं बात कर रहा था फोकस फायर प्लस वो कृतिका की तरफ से जो नेट्स आ रहे थे दोज वर रियली इंपॉर्टेंट Close encounter. ARC के प्लेयर्स यहाँ पे पूरे मुश्किल में नजर आएंगे बिकॉज पूरा TSN का स्क्वाड यहाँ पे क्लोज एनकाउंटर में आ चुका है एक इकलौते प्लेयर यहाँ पे बची हुई है यहाँ पे कृतिका नाम की एंड 1 HP है उनके पास शी इज फॉलिंग बैक अब दासिया से निकलने की कोशिश बट उसके पहले ऑब्वियसली फर्स्ट एड वहां पे उनको लगानी पड़ेगी एंड प्लेयर्स थोड़ा सा चौकन्ना हो जाते हैं उसी के साथ टीपी भी ले रही है बिल्कुल सामने इनके दो प्लेयर्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पर एक प्लेयर को स्पॉट किया डाउन करने की कोशिश डाउन किया रीलोड के ऊपर वापस से गन गई थी रीलोड आई थिंक सो किया है लेकिन जीतने दूसरा प्लेयर भी डाउन किया 11 गोलियां अब रीलोड की बारी आती है 358 का डैमेज है आखिरी फाइट होगी यहाँ पर 1v1 की यहाँ पे फ्री फायर देते हुए नजर आएंगे यहाँ पे प्रोन हुए प्लेयर उनका एचपी अभी भी यहाँ पे 72% एचपी है यहाँ पे कृतिका की हीलिंग भी यहाँ पे एक ही पोस्टर यहाँ पे बची हुई जरूर बट एक बूस्टर यहाँ पे लगाएगी बट यहाँ पे जाते हैं वापस से नॉक डाउन अब इस बार फिनिश कर दिया गया है अब यहाँ पे एलिमिनेट होगी बिकॉज टीम का स्ट्राइकर फॉर द विन ने उन्हें स्पॉट करा कृतिका ने यहाँ पे एलिमेंट के अल्ट्रॉन को नॉक डाउन एंड पूरा फिनिश करा अब वाइकिंग एक्स के एंडी अगर रिवाइव हो जाते तो फोरमैन स्क्वाड वापस से वाइकिंग के पास एक और एडवांटेज रहेगा कि इस वाले फाइट को निकाल के इस वाले मैच को चिकन डिनर में तब्दील कर बट एलिमेंट के प्लेयर्स दो बचे हुए हैं एंड 16 पॉइंट्स उनके पास जरूर है बट यहाँ पे कृतिका भी फिनिश हो जाएंगे इंटरेस्टिंग होने वाला आर की कृतिका आती है हमारी स्क्रीन पे M4 का यहाँ पे स्प्रे कनेक्ट किया गया टीम टोटली डिप्रेस के ऊपर ऑनकोर के ऊपर स्विच करते हुए वो किल वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कन्फर्म दो किल्स आते हैं आर के पास लेकिन जैसे हमने पहले बात करी थी इस स्क्वाड को यहाँ पे चिकन डिनर निकालना पड़ेगा अगर इन्हें जाना है टॉप 8 के अंदर पोजिशन इनकी काफी सिक्योर तो नहीं बोलूंगा 9th पर ये थे अगर एक चिकन डिनर यहाँ पे निकालते तो वी कैन से हाँ इनके दे विल बी इन द टॉप 8 बट यहाँ पे एमएम की बिलीव को पूरा फिनिश करा टीम तबलास के कैरी ओपी आते हुए डोमिनेशन में कृतिका यहाँ पे मार्चिंग करते हुए नजर आ रही है अब अगले पड़ाव की तरफ बिकॉज अभी तो जोन के अंदर है बट अभी पता है कि ARC को अच्छे खासे पॉइंट चाहिए बट यहाँ पे उनके पीछे मेगा वैक्सी यहाँ पे अभी अभी होल्ड करके बैठे थे उन्होंने यहाँ पे बैक स्टेप करा ARC कृतिका बट यहाँ पे ARC के दो प्लेयर